साथियों, थाईलैंड के राज परिवार का भारत के प्रति लगाव हमारे घनिष्ठ और ऐतिहासिक संबंधों का प्रतीक है। राजकुमारी महाचक्री स्वयं संस्कृत भाषा की बहुत बड़ी विद्वान है और संस्कृति में उनकी गहरी रुचि है। भारत से उनका आत्मीय नाता बहुत गहन है, परिचय बहुत व्यापक है और हमारे लिए सौभाग्य बात है कि पद्म भूषण और संस्कृत सम्मान से भारत ने उनके प्रति अपना आभार व्यक्त किया है। साथियों, क्या आपने सोचा है कि हमारे रिश्तों में इतनी आत्मीयता आई कैसे? हमारे बीच संपर्क और संबंध की इस गहराई का कारण क्या है? यह आपसी विश्वास, यह घुल मिलकर रहना, ये सद्भाव, ये आए कहां से? इन सवालों का एक सीधा सा जवाब है। दरअसल हमारे रिश्ते सिर्फ सरकारों के बीच के नहीं है और न ही किसी एक सरकार को इन रिश्तों के लिए हम कह सके कि इस समय हुआ ऐसा भी नहीं कह सकते। हकीकत तो ये है, इतिहास की हर तवारीख ने इतिहास की हर घटना ने हमारे इन संबंधों को विकसित किया है, विस्तृत किया है, गहरा किया है और नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। ये रिश्ते दिल के हैं, आत्मा के हैं, आस्था के हैं, आध्यात्म के हैं। भारत का नाम पौराणिक काल के जम्बू द्वीप से जुड़ा है, वही थाईलैंड स्वर्ण भूमि का हिस्सा था। जम्बू द्वीप और स्वर्ण भूमि, भारत और थाईलैंड, यह जुड़ाव हजारों साल पुराना है। भारत के दक्षिण, पूर्वी और पश्चिमी तट हजारों साल पहले दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ समंदर के रास्ते से जुड़े। हमारे नाविकों ने तब समुद्र की लहरों पर हजारों मील का फासला तय करके समृद्धि और संस्कृति के जो सेतु बनाए वो आज भी विद्यमान है। इन्हीं रास्तों के जरिए समुद्री व्यापार हुआ, इन्हीं रास्तों से लोग आए गए और इन्हीं के जरिए हमारे पूर्वजों ने धर्म और दर्शन, ज्ञान और विज्ञान, भाषा और साहित्य, कला और संगीत और अपनी जीवन शैली भी साझा की। भाई और बहनों, मैं अक्सर कहता हूं
कि भगवान राम की मर्यादा और भगवान बुद्ध की करुणा ये दोनों हमारी साझी विरासत है। करोड़ों भारतीयों का जीवन जहां रामायण से प्रेरित होता है, वही दिव्यता थाईलैंड में रामाकियन की है। भारत की अयोध्या नगरी थाईलैंड में अयुत्या हो जाती है। जिन नारायण ने अयोध्या में अवतार लिया, उनके पावन पवित्र वाहन गरुड़ के प्रति थाईलैंड में अप्रतिम श्रद्धा है। साथियों, हम भाषा के ही नहीं, भावना के स्तर पर भी एक दूसरे के बहुत नजदीक है। इतने नजदीक कि कभी कभी हमें इसका आभास भी नहीं होता। जैसे आपने मुझे कहा, सवादी मोदी, इस सवादी का संबंध संस्कृत के शब्द स्वस्ति से है। इसका अर्थ है सु प्लस अस्ति, यानी कल्याण। यानी आपका कल्याण हो, अभिवादन हो, ग्रीटिंग्स हो, आस्था हो, हमें हर तरफ अपने नजदीकी संबंधों के गहरे निशान मिलते हैं।